व्यवस्था शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह विभिन्न तत्वों का व्यवस्थित रूप जो कि अव्यवस्था से है। इसका यह हो सकता है कि राष्ट्रों में वस्तुओं या मूल्यों का किस प्रकार विभाजन या इस प्रकार के विभाजन करके उसका ऐसा प्रतिमान हो गया कि जिससे हम उसको व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी विश्व के जो देश हैं उनमें जो आपसी सामंजस्य है, चाहे वो मूल्यों का हो या जो मतलब सामाजिक समरूपता भी कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो एक तरीके से इसको वैश्विक ग्राम भी समझा जा सकते हैं। तो जो व्यवस्था है वो इस तरीके से फिर वो क्रमबद्ध तरीके से आगे चलती रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यह व्यवस्था कहाँ से आया, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। कौटिल्य का जो सिद्धांत था, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे इंटर स्टेट रिलेशन, उसमें कौटिल्य का सिद्धांत था कि जो हमारा सबसे निकटस्थ पड़ोसी है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर वो शत्रु का जो शत्रु है वो हमारा क्या हो सकता है, मित्र हो सकता है। तो इस तरीके से कौटिल्य ने अपना सिद्धांत दिया था, तो जिसको कहा था कि मित्र और हरि और उदासीन, यानी कुछ लोगों को वह न्यूट्रल कहा। तो इसने इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक राज्य एक दूसरे का वास्तविक या संभावित शत्रु है या उदासीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का उद्देश्य विश्व व्यवस्था का सैद्धांतिकरण करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य विस्तारवादी राज्य का मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य अंत में उसका एक होता था कि प्रत्येक राजा का अंतिम लक्ष्य या तो चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था। ये आपका विश्व व्यवस्था की कौटिल्य के आधार पर हम इसको इसके बारे में आगे बता सकते हैं। फिर जो प्राचीन जो विश्व व्यवस्था थी हमारी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होती है, जब विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले आप लोग पढ़े होंगे 7 महाशक्तियां थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ताकतों का क्षरण हुआ, शक्तियों का क्षरण हुआ, उसमें सिर्फ 2 शक्तियां उभर कर सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। अब इस फिर इसके पश्चात क्या होता है कि वर्ल्ड जो है पूरा वर्ल्ड दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, और एक का गुट रहता है अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करता है, पूंजीवाद को प्रोत्साहन देता है, और सोवियत उस साम्यवाद को प्रोत्साहन देता है। लेकिन इसमें ये भी है कि विचारधारा के अनुसार वो अन्य देश उन गुटों में शामिल हुए, लेकिन कुछ अपने को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए वो भी महाशक्तियों को खेमे में जाना शुरू कर दिए। लेकिन अब उस आधार पर जब अमेरिका ने अपना नाटो और सीटो और सेंटो, ये इस तरह का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से सीटो और सेंटो भी बनाया, उसी तरीके से उसी के पैरेलल यूरोपीय गुटों का भी एक संगठन बना, रूस ने भी एक वार्सा पैक्ट नाम का एक संगठन बनाया। तो इसके पश्चात दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध का पाप प्रारंभ हो गया, और यह होने लगे कि विश्व में हम किसको कितना चुनौती दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्यूबा संकट आया। क्यूबा संकट, चूंकि क्यूबा जो है रूस का सपोर्टर था, और क्यूबा के आसपास मिसाइलों का वो मिसाइल संकट जो उसी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद
धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से शिखर वार्ताओं का दौर प्रारंभ हुआ और फिर वहाँ से धीरे धीरे जो प्राचीन जो विश्व व्यवस्था थी यानी जो पुरानी विश्व व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और फिर नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। और इसलिए हम नई विश्व व्यवस्था का काल 90s की बात मान सकते हैं, रूस के डिसइंटीग्रेशन की बात, जब रूस जो है 15 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। और क्यों विभक्त हुआ, उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि जो रूस की मिखाइल गोर्बाचेव की जो उदारवादी नीति थी, जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इसको हम लोग पढ़े होंगे और याद आगे रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उसी समय एलपीजी का दौर शुरू हुआ जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाने जाने मतलब जानने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि विश्व व्यवस्था को फिर कहां से प्रभावित करना शुरू कर देता है, इसमें इराक का जो शासक था जिसके बारे में आप जानते होंगे जिसका नाम सद्दाम हुसैन था, वो कुवैत पर हमला कर गया। यानी वो सोचा कि और उसने एक प्रोपगंडा के तहत पूरे विश्व में ये फैलाना शुरू कर दिया कि जो कुवैत है ये हमारा अंग है, मतलब हमारा पार्ट है, और उसको अपना पार्ट बनाकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको कब्जा करने का प्रयास किया। इसके बाद अब चूंकि इराक को रूस से सपोर्ट मिलने लगा बड़े पैमाने पर हथियार और अन्य जो योद्धा सामग्री है वो रूस के द्वारा इराक को मिलना शुरू हो गया और उसने कुवैत को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया। लेकिन फिर ये अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को कैसे बर्दाश्त हो सकता था, अमेरिका ने कुछ दिनों के बाद जैसे गृहयुद्ध जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ता गया अमेरिका ने सोचा कि ये जो आयल सप्लायर मतलब जो कंट्री है इसमें अगर इन लोगों की जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और वहाँ का दोहन वो खूब करने लगेंगे तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जो हमारा ये लक्ष्य होता है कि जो हम आयल और एनर्जी के क्षेत्र में 40 साल के लिए 40 साल के लिए आत्मनिर्भर बने रहे हैं वो हमारी आत्मनिर्भरता छिन जाएगी या समाप्त हो जाएगी या धीरे धीरे कम होने लगेगी। तब फिर अमेरिका ने एक रणनीति के तहत उसने कहा कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और जल संहारक हथियार है जिसके तहत उसने कुवैत पर कब्जा किया है और इराक जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहा है। तो इराक को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने पुतिन चाल चली, यानी अमेरिका चूंकि स्वयं हस्तक्षेप न करके वो ये सोचा कि हम यूनाइटेड नेशन के बैनर तले अगर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो हमें अन्य देशों का सपोर्ट मिल जाएगा और अन्य देशों का सपोर्ट किसका मिला, अन्य देशों का सपोर्ट मिला जिसमें जो उनकी नाटो की जो सेनाएं थी, ऐसे करते करीब करीब उन्होंने करीब करीब 34 कंट्री की सेनाएं जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तहत अमेरिका ने इराक में हमला करने के लिए मैनेज कर लिया। हालांकि वहां पर 75% जो सेनाएं थी वो अमेरिका की, और प्लस अमेरिका के दो फायदे हुए उससे। एक फायदा हुआ कि वो प्रचुर मात्रा में से पैसे भी कमाना शुरू कर दिया, मतलब सैन्य सहायता यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो एक आर्मी का पीस कीपिंग फोर्स जो यूनाइटेड नेशन के सभी आर्मी के देशों की आर्मी को थी उनके पास, लेकिन वो अन्य देशों से जैसे खाड़ी देशों से क्योंकि अमेरिका की करीब करीब 2.5 लाख सेनाएं विश्व के अन्य देशों में प्रवास करती हैं, तो अमेरिका जो है अपने सैनिकों का खर्च उन्हीं देशों से वो लेता है
कि आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके देश की सिक्योरिटी के लिए हमारी जो सेनाएं वहां पर विद्यमान है, मौजूद है, वह काम कर रही है, इसलिए उनका जो पेमेंट है वो आप ही को करना होगा। तो इस तरीके से अमेरिका ऐसे दबाव बना रहा है, यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विश्व का अमेरिका एक मात्र ऐसा राष्ट्र है कि जो पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व चाहता है और अपना दादागिरी कायम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम किसी भी तरीके से पूरी दुनिया हमारी होती है। तो उसने करीब करीब 66,600 ट्रूप्स इराक पे हमला करने के लिए तैयार कर लिया और इराक पे भीषण हमला हुआ 91 मार्च का था और उसमें वार शुरू हो गया था। हालांकि वो भी इराक के पास जो आप चढ़े और इतने बड़े नाटो की सेनाएं जो थी उनके पास, उनका मुकाबला कर पाना असंभव था। तो इराक सद्दाम हुसैन अगर ग्राउंड हो गया, सद्दाम हुसैन को उस समय अमेरिकी सेनाएं नहीं पकड़ सकी, बहुत प्रयास की लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब इसी बहाने अमेरिका को एक मौका मिला कि हम इराक के जो आयल फील्ड्स हैं उस पर हम पूरी तरीके से कब्जा बना लें और वहां पर एक कठपुतली सरकार बैठा लें। लेकिन अमेरिका इस मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाया और धीरे धीरे इराक जो है अन्य कुछ देशों की सहायता से, जैसे रूस और चीन की सहायता से, चीन ने भी सपोर्ट किया था और रूस के जो खेमे में जो राष्ट्र थे जैसे पोलैंड था, हंगरी था, यूगोस्लाविया था, वो भी इराक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इराक जो है फिर अपने आप को 2003-04 तक, फिर अपने आप को 2003 तक फिर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन उसके बाद उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद फिर उसने क्या किया कि सद्दाम हुसैन ने कहा कि हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भंग बनाने के लिए उसने एक बहुत बड़ी चाल चली और उसने कहा कि हम डॉलर की जगह पर यूरो बनाएंगे। यह बात अमेरिका को नागवार गुजरा और उसने सोचा कि अगर इराक ऐसा करता है तो कहीं इसी के पैटर्न पर और भी जो वेस्ट एशिया के जो देश है जो हमारे मित्र हैं और वो भी जो है यूरोप अपनाना शुरू कर रहे हैं, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो यूरोप के रूप में ही अपनाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमारा डॉलर को पूरी तरीके से ताश नाश हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि फिर 2003 में इराक पर हमला किया और वो क्या करते किया, ये कहा कि इराक में जो वेपन्स हैं, जो केमिकल एंड बैलिस्टिक वेपन्स हैं, इससे पूरी मानव जाति को खतरा है, पूरे विश्व के मानव समाज को खतरा है। इसलिए लेकिन तब यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका को रोक दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना परमिशन के ऐसा संभव नहीं है, आप इराक पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के नीत और नियत में अंतर होता है, अब वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है तो अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा है। फिर उसने यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ठीक है हम परमिशन भेजेंगे, लेकिन अमेरिका की दादागिरी चरम सीमा पे थी क्योंकि सुपर पावर था, तो सुपर पावर के सैटेलाइट बहुत सारे कंट्री थे तो उनको अमेरिका को सपोर्ट किए और चूंकि वीटो अमेरिका के पास था ही तो उसने यूनाइटेड नेशंस को एग्री कर दिया कि पर्यवेक्षक जो है यूनाइटेड नेशंस के जो पर्यवेक्षक हैं वो इराक में जाएंगे और वहाँ पे पूरा उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि कहाँ के इंटरस है। उसके बाद इराक में पूरे इराक में मतलब निरीक्षण किया इन्होंने और उसका एक कारण ये दिखाया था अमेरिका ने कि चूँकि फिरके के आधार पर जैसा कि आप लोग जानते नहीं होंगे कि इराक में तीन तरह के लोग होते हैं, मतलब तीन प्रकार के लोगों की संख्या ज्यादा है, जैसे कुर्द हैं, सिया और सुनी, या जिदी भी हैं, ये बहुत कम मात्रा में है। तो
अच्छा ये चूंकि सुनी जो है अवकाश रही है, सद्दाम हुसैन का सबसे बड़ा मतलब ये था कि यहाँ से कुर्द और सियाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, धीरे धीरे पॉलिसी के तहत कि इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, जिससे कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम सत्ता पर काबिज हैं। तो उन कुर्दों को जो है सद्दाम हुसैन ये दिखाया कि कुर्द और सिया और यजीदी वो सद्दाम हुसैन समाप्त कर रहे हैं केमिकल वेपनाइजेशन के फैसले द्वारा। फिर यूनाइटेड नेशंस एग्री हो गया इनकी बात में और उन्होंने अपने प्रवेश भेज दिया। फिर कुछ समय तक इराक का पूरे मतलब जितने भी उनके प्रतिष्ठान थे न्यूक्लियर से लेकर के बैलिस्टिक डिफेंस के सबकी इंक्वायरी उन लोगों ने किया, सघन जांच की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। यूनाइटेड नेशन को उन्होंने रिपोर्ट भी किया कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका ने कहा कि जो बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं सद्दाम हुसैन ने उसको कहीं फेंकवा दिया। फिर उसके बाद जब और अमेरिका जो है अपनी दादागिरी को गलत था, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, पावर का इस्तेमाल कर रहा था, और फिर पावर का इस्तेमाल का ही देन है कि फिर दोबारा फिर इंस्ट्रक्शन हुआ, दो तीन बार उसकी जांचें हुई यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और फिर उसके बाद जो उनके फसलों में छिड़काव के लिए जो कीटनाशक रखे गए थे, सोचिए जो कीटनाशक रखे गए थे उन कीट वो तो केमिकल ही है, जो कीटनाशक है वो केमिकल है या वो फिर बायोलॉजिकल भी उसको कह सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जैविक से रिलेटेड होते हैं। फिर वहां पे उनको जो है उनकी सैंपल ली गई, उनको जांच कराया यूनाइटेड नेशन ने, तो पाया कि हाँ ये केमिकल या बायोलॉजिकल इंफ्लुएंस का मतलब प्रूफ मिल गया यूनाइटेड नेशन को, भी इसका प्रूफ मिल गया। और उसके बाद उसने अमेरिका को क्लीन चिट दिया और अमेरिका ने इराक पर पुनः हमला कर दिया। और हमले के दौरान तो वहां पर अमेरिकी ये इराकी सेना उस ऑपरेशन का नाम इराकी फ्रीडम दिया गया था, हमारे ख्याल से वो 91 वाले हमले किया था, 91 वाले हमले क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट हैं कि एग्जाम के हर पास आपको ये बेस्ट है, क्योंकि इस पे आप एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इराक कब था 1994 था 1994 था और उसी समय जब ये अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा था तो सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये जो अमेरिका ने जो इराक हमला किया है ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स है, मतलब इसके बाद से जितने भी युद्ध होंगे वह ये माना जाएगा कि अमेरिका की वजह से ये हुआ है। और उसने चुनौती दी थी कि अमेरिका अपने इस तनाव को अगर वापस नहीं किया
तो पूरे पश्चिमी एशिया में जो जितने भी मतलब मुस्लिम कंट्री है सब एकजुट होकर के अमेरिका का प्रचार करेंगे। उसके बाद वहां से इराक की सेनाएं उधर से भी वापस हो गई, अमेरिकी सेनाएं भी वापस हो गई और अमेरिका ने इराक की कुछ सरकार बैठा दिया और अभी भी और कुछ समय पश्चात सद्दाम हुसैन को भी पकड़ कर अमेरिका ने फांसी का लटका दिया। वो तो सिर्फ उसको मारने के लिए वापस था, उसका नाम सिर्फ ओसामा को मारने के लिए जो नेवी सील कमांडर ने जो ऑपरेशन किया था वो जो क्योंकि सर ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, नेचुरली सीरिया और जर्मनी वो वो तो है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद विश्व में जो परिवर्तन होने शुरू हुए हुआ मतलब आमूल जो परिवर्तन थे, चूंकि कारण यह था कि चीन जो है एशियाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका की जो नीतियाँ थी वो एक तरीके से कहा जाए कि जो पैराडाइम है वो भारत की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी उसी समय से जो अमेरिका भारत का शुरू से विरोधी रहा उस समय लॉर्ड लुविस के टाइम में ही उसने एक अपने बयान में कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग नॉलेज पावर है। उसके बाद से विश्व में पूरी तरीके से सिनेरियो चेंज होना शुरू हो गया है, यानी अमेरिका की पूरी जो शिफ्टिंग हुई वो भारत की तरफ हुई और जितने भी वहाँ के वही वैसे तो विश्व के जितने भी देश हैं वह अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे इधर उधर ही आते हैं चाहे उनकी गवर्नमेंट में किसी भी पार्टी की सरकार में, जैसे अमेरिका में मान लीजिए डेमोक्रेट हो या भारत में सत्ता परिवर्तन हो जाए, कुछ कम्युनिस्ट देश हैं जहाँ सत्ता परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन यह है कि अपने वो विदेश नीति के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा वो नहीं आगे बढ़ते। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चूंकि ये जानता था कि एशियन रीजन में इसीलिए रीजनल पावर सब तो पहले इंटरनेशनल देश थे, आप पहले का जब आप पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे किताबों में तो रीजनल पावर जैसा कोई सब नहीं, यही था स्मॉल पावर मिडिल पावर मेजर पावर और सुपर पावर, लेकिन फिर
चाइना की वजह से रीजनल पावर बना दिया गया है, और जब जहां रीजन की बात आती है वहां चाइना का नाम जरूर आता है कि जो रीजनल ग्लोबल पावर रीजनल पावर, तो रीजनल पावर बेसिकली चाइना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कारण यह था कि चीन जो है ये बहुत बड़ी बढ़ती हुई शक्ति था, और चूंकि रूस से और चीन का भी एक डिस्प्यूट था जिसकी वजह से रूस से बहुत ज्यादा समर्थन चीन को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी चीन गुप्त तरीके से प्राप्त कर रहा था कहीं ना कहीं से किसी न किसी साझेदारी कंट्री से, और पहले तो जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे उनसे भी चीन ने अपना रिलेशंस काफी बेहतर रखा, और आज भी वो रखने का प्रयास कर रहा है, और दिखाई तो ये दे रहा है कि चीन जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि स्टेट टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में इसने जिंदू अभी लॉन्च किया है, जो ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल है, और जो फ्रांस का जो राफेल है उससे उसका मुकाबला हो सकता है। लेकिन ये भी मतलब पढ़ने को मिल रहा है अध्ययन के दौरान ये भी पता चल रहा है कि चीन अपनी ताकत को तो जरूर बढ़ा रहा है लेकिन हिम्मत को नहीं बढ़ा पा रहा है। ताकत और हिम्मत में अंतर है, तो हिम्मत इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि चीन ने जब चीन की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ तो उसने कह दिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, और वन चाइल्ड पॉलिसी जब लाया तो जो बड़े हुए सेना में जो भर्ती हुए, अब किसी माँ बाप का एक अगर बेटा है वो अगर सेना में भर्ती हुआ तो ना माँ बाप चाहेंगे कि हमारा बेटा सही हो जाए, ना वो खुद चाहेगा कि हम सही हो जाए। तो इस तरीके से चीनी जो सेना है, चीनी सेनाओं में हिम्मत नहीं, ताकत तो है उनके पास, क्योंकि बैकग्राउंड में सपोर्ट है उनके पास, लॉजिस्टिक्स है, लेकिन हिम्मत नहीं है, जिसका एक उदाहरण गलवान में मिला कि उनको विड्रा होना पड़ा। अभी लेटेस्ट न्यूज आप सुने होंगे कि चीन ने हाँ कि कहा कि हमारा फिगर फोर कर या कहा अपने कुछ को तो दिखाता रहता है, तो कभी सिटी को कभी अरुणाचल प्रदेश को हिस्से को अपने कब्जे में दिखाता रहता है, या किसी गांव का नाम बदल देगा, कहेगा कि ये चाइनीज ग्राम है वहाँ पर डर जाएगा। तो इस तरह की क्योंकि अपने विस्तारवादी नीतियाँ हैं, इस तरीके से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो बहुत सारे देश, लेकिन फिर भी चूंकि वर्ल्ड वार लोग ये मानते हैं, जैसे बड़े देश हैं ये मानते हैं कि अगर विश्व में अगर विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो वो चीन के ही द्वारा हो सकती है, तो इस वजह से चीन को सभी राष्ट्र सख्त नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे साउथ चाइना सी पे आते हैं। साउथ चाइना सी एक ऐसा क्षेत्र है विश्व का कि आप लोग अध्ययन किए होंगे, मतलब ये समझिए कि विश्व का 70% के आसपास व्यापार जो है साउथ चाइना सी के ही रास्ते हो रहा है। इसलिए हम क्षेत्र में कितने कंट्री हैं बताते हैं आपको, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, तो इन इससे सभी का चाइना से मिला। कारण ये है कि चूंकि जो चाइनीज नाइन डैश है, यानी समुद्र के में आपकी जो आप तटीय क्षेत्र के कंट्री हैं, तो आपका हिस्सा एक जो संधियों के तहत या जैसे भी जो रह गया उसमें सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया हो सकता है, लेकिन चाइना जो है इसको नहीं मानता है। चीन कहता है कि नहीं, हम जहाँ तक हैं, तो इसलिए चीन जो है अपनी डैश लाइन लगाया हुआ है कि नहीं यहाँ तक मेरा हिस्सा, जो कि अमेरिका इसका विरोध करता है और भी बड़े राष्ट्र जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। तो अब भारत जो है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि हम ताइवान पर हमला कर दें और उसको अपने में मिला लें, लेकिन उधर जापान है, जापान भी चीन पर आंखें तरेरना शुरू कर देता है। जापान जो कि
वर्ल्ड वॉर के समय तो अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, जापान अमेरिका का दुश्मन देश था, लेकिन आज के सिनेरियो में चूंकि नई विश्व व्यवस्था में जापान अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है, तो अब जापान उधर से कहता है कि ठीक है तुम करो, इधर हम बैठे हैं, तो इस वजह से चीन की हिम्मत नहीं कि ताइवान से कुछ करे। बस ये है कि जैसे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है कि कुछ लोग किसी खेत को मेड़ को थोड़ा थोड़ा काटते हैं, मतलब जैसे उसकी चौड़ी अगर सड़क है तो थोड़ा थोड़ा काटते हैं, तो वो सब बोलते हैं क्या भैया चाइनीज मानसिकता के आदमियों का काटना तो एक ही बार काट दो ताकि लड़ाई हो तो यहाँ या पार। लेकिन तो इस तरीके से चीन जो है उसकी जो नीतियां है वो बहुत स्लोली मतलब मूवमेंट में वो रहता है और वो धीरे धीरे जो है अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो अब इसके जो डैश लाइन है और डैश लाइन को अमेरिका ने मानता है, अच्छा उसके बाद ये पूरा एरिया को चूंकि पहले एशियन पैसिफिक कहा जाता था, लेकिन अब अमेरिका ने इसको जो है इंडो पैसिफिक नाम दिया। कारण क्या हो गया कि इस क्षेत्र में भारत चूंकि एक ऐसा ताकतवर देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है, और भारत के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इसका नाम इंडो पैसिफिक कर दिया है। अब आप इसको जो एशिया पैसिफिक था उसको आप इंडो पैसिफिक के नाम से जानते हैं। अच्छा इन क्षेत्रों से व्यापार का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, इस रीजन में आईटी 38 कंट्रीज है, इंडो पैसिफिक रीजन में ४४% वर्ल्ड सरफेस एरिया है, 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन क्षेत्रों में 62% वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड मर्चेंट ट्रेड 46%, वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड 70%, सी बॉम्ब्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी में आयल पेट्रोलियम ये सारी चीजें, अब इंडिया जो है ये इस फील्ड में चीन को मात देने के लिए जो उसके जो तटीय देश है ये भारत प्रयास करता है। जैसे एक उन्होंने बनाया था एक स्ट्रक्चर, कुछ देशों से अपना सहयोग कर रहा था चीन, तो क्योंकि भारत ने जितने भी भारत भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इसलिए ये छोटे छोटे जो तटीय देश हैं इनका उन्होंने दौरा करके इन देशों से अपने रिलेशनशिप को काफी अच्छा करना चाहते हैं कि जिससे कि जो है इस व्यवस्था में हम सर्वाइव करते रहे, मतलब हमारी उपस्थिति बनी रहे। इसके बाद चूंकि भारत चार देशों का एक बनाया है आर्किटेक्चर क्वाड, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, इंडिया,
जापान और शायद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड ग्रुप बनाया है, इसको चीन को डोमिनेट करने के लिए। ये देखिए विश्व व्यवस्था कहाँ से चलते चलते कहाँ आगे सकती है, और अभी आगे इस परिवर्तन से चीन पर कड़ी नजर रखने के लिए, और प्लस नासा के सैटेलाइट्स तो चलते ही रहते हैं। अब ये भारत ये चाहता है कि जो म्यांमार, चूंकि भारत को एक इंडो पैसिफिक रीजन में चीन से खतरा है, चूंकि वो पूरे क्षेत्र को जब चाहे तो व्यापार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन म्यांमार जो हमारे बॉर्डर पे है वो चीन से लगा हुआ, म्यांमार जो कि भारत को म्यांमार में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो उसने भारत को सपोर्ट किया। भारत को सपोर्ट करने के कारण ही नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसमें कमी आई। तो अच्छा, चीन चूंकि वो बर्मा नाम म्यांमार को आपको जानते हो, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता, तो पहले क्या होता था कि म्यांमार जो है पूरी तरीके से चीन के मुट्ठी में है, और जितने भी आर्म्स एंड एमुनेशंस इंसर्जेंट्स के पास आते थे, जो विप्लवकारी थे जो नॉर्थ ईस्ट के, उनके पास जो भी आते थे वो पूरे वहां से पूरे भारत में उसकी तस्करी होती थी। चूंकि वहां पे जो मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर है उसमें एक जगह है माओ, हालांकि माओ में मैं गया हूँ, एक बार विद्यालय में मैं लोगों के लिए करता था, तो मैं घूमने गया था स्टूडेंट्स को लेकर के वहाँ पर, तो माओ बॉर्डर पर मैं गया था, तो वहाँ पर कुछ लोग अपने ही क्षेत्र के लोग वहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि चाइना से जितने भी मतलब जो हथियारों की तस्करी होती है वो इसी बॉर्डर से होती है। उसने ये भी बताया कि मतलब यहाँ के लोग आप खुद देख लीजिए कि हम लोग पूरा बिजनेस हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान से आगे करते हैं, वहाँ पे राजस्थान के लोग बिहार के लोग सबसे ज़्यादा है, और असम के भी हैं और बंगाल के भी, उत्तर प्रदेश के भी सबसे ज़्यादा है। तो वो बताया कि यहाँ के लोकल लोग, नहीं इनके पास कोई जमीन है, कोई खेती बाड़ी है, कुछ भी नहीं है, ये लोग नौकरी करना भी पसंद नहीं करते हैं और स्कूल को भी चले नहीं लेते हैं, कोई बिजनेस नहीं है इनके पास, लेकिन इनके ये इतने ज्यादा संपन्न क्यों है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण यह था कि उन बॉर्डर एरिया से बड़े पैमाने पर मानव द्रव्यों की तस्करी और हथियारों की तस्करी, और आज के दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि अभी नहीं हो सकती है या नहीं होती है, लेकिन हाँ कम जरूर हुआ है। भारत अमेरिका का ग्राहक देश बन सकता है, और पाश्चात्य के विकास का आर्थिक प्रतिमान बना सकता है। कस्टमर ही चूंकि अमेरिका के पास जो वेपन्स हैं जो वो भारत को ले रहा है और रूस से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, लेकिन
जो भारतवासी निकलते हैं उसके बारे में भारत अमेरिका का ग्राम देश हो सकता है। हाँ, और वह पश्चात विकास का आर्थिक प्रतिमान अपना सकता है। उपभोक्तावाद का विस्तार कर सकता है। अब इसी से अंदाज लगाओ कि अंग्रेजी से हिंदी कितनी टफ है। भारत को अपने समाज का गठन इस प्रकार करना होगा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा जाति बहुवाद को अपनाकर विकास का सर्वाधिकारी उपाय अपनाया जाए। समाज का गठन इस प्रकार करना होगा कि इस शब्द का विकेंद्रीकरण तथा जातीय बहुवाद को अपनाकर
बिना शासन अधिकारी उपाधों हाँ